दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी लेटेस्ट फैशन प्रोडक्ट के बारे में जो कि हाल में ही मैंने अमेजोन से ख़रीदे हैं काफ़ी डिस्काउंट के साथ। इन सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको इसकी क्वालिटी और प्राइस के बारे में बताती हूँ। देखिए मैंने अमेजोन से कुछ लहंगा और साड़ी मंगाए जो कि आपको मैं एक एक करके इनकी क्वालिटी और प्राइस के बारे में बताती हूँ। देखिए जैसे कि ये फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी करवा चौथ आने वाली है, तो उसके लिए मैंने एक लहंगा मंगाया है, तो आपको इसको खोल के दिखाती हूँ इसका कपड़ा और क्वालिटी कैसा है। ये हमारा लहंगा है, तो इसका देखिए ये चुन्नी दिया हुआ है अंदर की तरफ, देखिए ये चुन्नी है, ये चुन्नी नेट की चुन्नी है। ये अभी पूरा खोल के देख लेते हैं, देखिए इसमें चारों तरफ बॉर्डर दिया है, दोनों साइडों में ये जो पल्लू साइड होता है और जो किनारे का पार्ट है इसमें भी, तो टोटल आप देखेंगे इसमें चारों तरफ ये बॉर्डर दिया हुआ है और चुन्नी इसकी नेट की है, प्लेन है बीच में। और अभी इसके ब्लाउज़ के बारे में बताती हूँ, तो देखिए इसका जो ब्लाउज है ये वेलवेट का ब्लाउज है इसमें, और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, तो हम खोल लेते हैं देखते हैं कि क्या है। तो देखिए इसका ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट नेक है, ये जो डिज़ाइन है फ्रंट में आएगी ये पूरा, और इसमें आप इसको डॉट वाला ब्लाउज सिल सकते हैं क्योंकि इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज वगैरह आप नहीं बना सकते इसमें से। और इसके लहंगे के ब्लाउज कैसे बनाते हैं उसके वीडियो मैंने अपलोड किए, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है इसका, और देखिए ये बैक पार्ट है, बैक में ये प्लेन है, तो बैक में आप क्या है लेस लगा के इसको डिजाइन दे सकते हैं। और देखिए अभी स्लीव के बारे में बताती हूँ, तो देखिए ये जो कपड़ा है ये स्लीव के लिए दिया हुआ है, देखिए इसमें ये स्लीव है एक इस साइड में और दूसरी स्लीव हमारी इस साइड में है, तो इसमें आप फुल स्लीव भी बना सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि कपड़ा काफ़ी है इसमें स्लीव के लिए, और आप फुल स्लीव बनाएंगे तो जो डिजाइन है ये हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो आप जैसा आपको पसंद है, अगर आपको फुल स्लीव या 3/4 पसंद है तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो ये शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं जो ये वर्क है। अगर आप प्लेन भी बनाना चाहते हैं तो ये इसमें कपड़ा ये देखिए यहाँ पर काफ़ी है, तो एल्बो स्लीव प्लेन भी बना सकते हैं, अगर आप ये डिजाइन नहीं देना चाहते तो प्लेन स्लीव भी एल्बो में आ जाएगा आपका, क्योंकि इसका जो यहाँ तक विड्थ देखेंगे कम से कम 12 इंच के आसपास ये प्लेन है, और इसके बाद ये डिजाइन दिया हुआ है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लेन कपड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका ब्लाउज काफ़ी बड़ा कपड़ा है और काफ़ी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। और अभी हम लहंगे को देखते हैं लहंगा कैसा है, देखिए इसका ये लहंगा हम इस तरह से सेट कर लेते हैं, तो ये कली वाला लहंगा है आप देखेंगे तो इसमें ये कली दी हुई है लहंगे में, और नीचे पूरा रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, जैसे कि हमारा ब्लाउज रेड है और चुन्नी भी रेड है, तो देखिए काफ़ी हैवी बॉर्डर दिया हुआ है नीचे, कम से कम आप देखेंगे ये 7-8 इंच के आसपास ये हैवी बॉर्डर दिया हुआ है, अंदर भी इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, और देखिए इसमें सिल्क अस्तर भी दिया हुआ है, आपको अलग से अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप यूज़ करेंगे। ये सेमी स्टिच है, आप अपने साइज़ के अनुसार इसको फिटिंग करा सकते हैं, तो देखेंगे आप ये डिज़ाइन हमारी बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं ये गोल्ड कलर में है, पिंक कलर में डिज़ाइन है, और ये जो हमारा लहंगा है ये येलो कलर में है, और ऊपर की तरफ देखिए ये इस तरह से है, पूरा दिखा देती हूँ तरफ हमारा ये प्लेन है, अगर आपकी हाइट कम है तो आप इस प्लेन कपड़े को हम यहाँ से निकाल देंगे और तो ये पूरा डिजाइन ही हमारे कमर तक आ जाएगा, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम परफेक्ट बैठेगा लंबाई में। जैसे कि मेरा साइज़ के अनुसार ये काफ़ी लंबा भी है और ये काफ़ी इसकी कमर जो है ज़्यादा है, तो मैं इसका वीडियो भी बनाऊँगी इसके ऊपर कि अगर इस तरीके का आप लहंगा लेते हैं तो कैसे इसको अपने साइज़ के अनुसार करें। तो आप देख रहे हैं कि ये लहंगा काफ़ी अच्छा क्वालिटी का कपड़ा है इसमें, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इन फेस्टिवलों के सीज़न में ये लहंगा खरीद सकते हैं। इस लहंगे की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और ये मैंने काफ़ी डिस्काउंट में पाया है, अभी आपको इसका प्राइस बताती हूँ। देखिए इसका प्राइस जो है मैंने 1199 में मंगाया है, लेकिन MRP इसकी 3000 थी, तो मुझे ये काफ़ी डिस्काउंट में पड़ा है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इन फेस्टिवलों के सीज़न में आप ये लहंगा मंगा सकते हैं।
देखिए मैंने एक ये साड़ी मंगाई है, ये डेली यूज साड़ी है और ये कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, जॉर्जेट का कपड़ा है। और आपको खोल के दिखाती हूँ इसका लुक किस। तो देखिए ये फ्लावर प्रिंट साड़ी है हमारी, देखिए बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर दिए हुए हैं। तो आप इस साड़ी को डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है इस तरह के फ्लावर गाउन बनाने का फैशन ज़्यादा है, तो इस साड़ी में से आप डेली यूज़ के लिए गाउन बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्लावर प्रिंट है, बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के गाउन। तो आप देख रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा इसका कपड़ा है, जैसे मैंने बताया ये जॉर्जेट का कपड़ा है, काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, और ये काफ़ी सुंदर साड़ी है। और ये मैंने काफ़ी डिस्काउंट में मंगाई है, ओनली 249 रुपीज़ में मंगाई है। अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें से आप दो गाउन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसका ब्लाउज जो है वो भी रनिंग है, तो आपके दो गाउन आराम से बन सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे गाउन बन जाएंगे आपके, और वो भी कम रेट में। तो अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो आप इस साड़ी को खरीद सकते हैं। इस साड़ी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए एक मैंने ये टी शर्ट और ये कैप्री मंगाई है, तो देखिए ये टी शर्ट है और ये कॉटन का टी शर्ट है, काफ़ी अच्छा है इसका कपड़ा, और हम पूरा लुक देख लेते हैं इसका। देखिए ये स्लिम फिट टी शर्ट है और इसका नेक जो है राउंड नेक है और इसकी हाफ स्लीव है, और आप देख रहे हैं स्लिम फिट है, एकदम अच्छा कपड़ा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और अभी इसका कैपरी भी देख लेते हैं। देखिए ये इसका कैपरी है, ये भी कॉटन का ही है, और देखेंगे आप इसमें साइड में दो पॉकेट भी दी हुई हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉकेट भी काफ़ी बड़ी पॉकेट है, इलास्टिक भी दी हुई है, और यहाँ पे ये नाड़ा भी दिया हुआ है, तो इससे क्या है इलास्टिक आपकी लूज हो जाती है, तो नाड़े से आप इसको टाइट कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पे इस तरह का ये बॉर्डर भी दिया हुआ है, ये 3/4 लेगिन है, तो देखिए ये काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ये लेगिन और टी शर्ट पसंद आती है तो ये आप सेट मंगा सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। और देखिए इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम प्राइस में मैंने मंगाया है इसको, ओनली 449 रुपीज़ में ये पूरा सेट मंगाया है। अगर आप कैपरी या जो टी शर्ट है अलग अलग ख़रीदते हैं तो ये हमको काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि 300-400 का तो ओनली टी शर्ट या जो 3/4 ये आप लेगिन ख़रीदते हैं तो यही पड़ेगा, लेकिन कॉम्बो में ये काफ़ी डिस्काउंट में पड़ा है। देखिए एक मैंने ये कॉटन का ड्रेस मंगाया है और अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये कॉटन का ड्रेस है और ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है फ्रंट पार्ट में, और अब पूरा लुक दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह की हमारी जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है ये पूरा हमारे कमर से नीचे तक आएगा, और देखिए इसका राउंड नेक है, और जो स्लीव है इसका वो फुल स्लीव है, और नीचे तक आप देखेंगे ये लॉन्ग कुर्ता है, जैसे कि आजकल फैशन चल रही है लॉन्ग कुर्ते की, ये टोटल लेंथ है इसकी। और देखिए इसका जो पैंट आया है वो भी आपको दिखाती हूँ, ये नॉर्मल बॉटम है, ये प्लाजो नहीं है, जैसे कि आजकल नॉर्मल बॉटम चल रहे हैं सेम उसी तरह, तो ये देखिए ये भी कॉटन है। ये देखिए ये डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये इसका प्राइस भी बहुत कम है, ओनली 399 रुपीज़ का है ये, और इस ड्रेस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। देखिए मैंने एक साड़ी मंगाई है और ये नेट की साड़ी है, और इसका MRP आप देखेंगे तो ये 2799 है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी डिस्काउंट मंगाया है, मैंने ओनली 800 मंगाया है, और अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने कवर से बाहर निकाल दिया है, और आप देखेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए इसका ब्लाउज है, ये रनिंग ब्लाउज है, और पहले आपको ब्लाउज के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए इसमें ब्लाउज में भी ये बॉर्डर दिया हुआ है, जो कि हम इसको स्लिप में यूज़ करेंगे, और इसमें फुल स्लिप बना सकते हैं, क्योंकि ये 1 मीटर है और पूरा साड़ी पन्ना कपड़ा है इसका। तो देखिए और इसमें पूरा डिजाइन जैसा साड़ी में फ्लावर्स है सेम उसी तरह से ये ब्लाउज में भी इसी तरह से डिजाइन है, और अभी आपको साड़ी के बारे में बताती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से है, जो अंदर की साइड में थोड़ा सा पार्ट प्लेन है इसमें,
पहले हम अंदर का पार्ट दिखा देते हैं। तो देखिए ये पार्ट अंदर की साइड में है, तो ये प्लेन है, ये आसपास 1 मीटर के आसपास ये प्लेन पार्ट है, यहाँ पे डिजाइन नहीं है। और इसके बाद में नीचे भी इसमें डिजाइन दी हुई है जो बॉर्डर है, और उसके बाद पूरा साड़ी में इसी तरह के ये फ्लावर दिए हुए हैं। और ऊपर आप साइड में देखेंगे जहाँ पे हमारी ये प्लेट आती है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है ऊपर साइड में, और जहाँ से हमारा ये प्लेट ख़त्म होती है वहाँ से यहाँ पर ये बॉर्डर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये कट है, यहाँ तक आपकी फ्रिल आएंगी और ये हमारी कमर में होते हुए पल्लू की साइड में आएगा, तो यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। ये बॉर्डर यहाँ से लेके और नीचे पूरे में आएगा, और पल्लू साइड में भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये इसका पल्लू है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ऊपर की साइड में बॉर्डर है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरा बॉर्डर आएगा। देखिए ये बॉर्डर है, और सेम इसी तरह से नीचे बॉर्डर है। और जो ये फ्लावर है ये तो पूरा साड़ी में है, सिर्फ 1 मीटर छोड़ने के बाद पूरा साड़ी में ये फ्लावर भी है। और यहाँ पे देखिए पिंक कलर के ये मोती लगे हुए हैं, और ये मोती निकलेंगे नहीं क्योंकि ये काफ़ी मजबूती से चिपकाए हुए हैं। तो अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो इन फेस्टिवल सीजन में आप इस साड़ी को मंगा सकते हैं। देखिए मैंने ये साड़ी मंगाई है, और देख रहे हैं आप ये काफ़ी अच्छी साड़ी है। देखिए अब डिज़ाइन कितनी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं खोल के दिखाती हूँ, इसके कपड़े के बारे में बताती हूँ। देखिए इस तरह से है, इसमें बॉर्डर जो है ऊपर की साइड में भी है, और ये बॉर्डर हमारा नीचे की साइड में भी है, दोनों साइडों में ये पिंक कलर का बॉर्डर है। और अभी आपको पल्लू के बारे में बताती हूँ। तो देखिए इसका पल्लू जो है काफ़ी अच्छा है, और आप देख रहे हैं इसमें पूरे में डिजाइन दी हुई है, ये पूरा हमारा डिजाइन है। और इस साइड में देखेंगे आप इसमें नॉट बंधी हुई है, नॉर्मल नॉट हम बंधवाते हैं, इसमें रेडी आई है पूरी नॉट बंधी हुई है। और इसका जो ब्लाउज है ये पिंक कलर का है, तो देखिए इसका ब्लाउज भी ये पिंक कलर का दिया है, लेकिन साड़ी पूरी हमारी ब्लू कलर की है, सिर्फ पल्लू पिंक कलर का है, और जो इसमें बॉर्डर है ये पिंक कलर का है। देखिए ये वाला बॉर्डर, तो एक बॉर्डर हमारा नीचे की तरफ आएगा और एक बॉर्डर हमारा ऊपर की तरह आएगा। और इसका देखिए कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, ब्लू में गोल्ड आ रहा है, और ये डिजाइन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो आप इस साड़ी को ले सकते हैं, और ये साड़ी काफ़ी डिस्काउंट में चल रही है अभी, ये मैंने ओनली 378 रुपीज़ में मंगाई है।